नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी में बवंडर उठा हुआ है, खेमेबाजी शुरू हो चुकी है और इस खेमेबाजी के सामने आने के बाद विपक्ष का खेमा फिलहाल काफ़ी खुश दिख रहा है। सत्ता दल के वरिष्ठ नेता लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल नेता जो हैं क्षेत्रीय दल, उनके भी नेताओं का यही कहना है कि अधिकारी अपने मन की कर रहे हैं, मंत्री के भी निर्देशों का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बीते 7 साल से जिन अधिकारियों की जमकर अब तक प्रशंसा हो रही थी, तारीफें हो रही थी, अब उन्हीं की आलोचना शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से बीजेपी MLC ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अधिकारी बेलगाम हैं। पंचम तल के अधिकारी तो इतना विवश कर दे रहे हैं विधायकों को कि विधायकों को पैर छूने तक की नौबत आ जा रही है। यानी कोई भी काम सत्ता दल के जुड़े नेता का नहीं हो रहा है और उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी कहा है कि अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि अधिकारी अंदर से साइकिल, हाथी और पंजे वाले हैं और ऊपर से कमल के हैं, मौका पाते ही वो डस लेते हैं। संजय निषाद ने कहा है कि उन्होंने अधिकारी से एक महिला कार्यकर्ता का घर न गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारी ने एक प्रधान के कहने पर महिला कार्यकर्ता का घर गिरा दिया और उस प्रधान ने खुद 1 एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर ने भी अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता दल से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो अधिकारियों के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कहने के बावजूद जो है FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। इससे पहले भी बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी आरोप लगा चुके हैं कि मौजूदा सरकार में तहसील और थाने सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। हाल ही में लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। केशव प्रसाद के इस बयान के बाद लगातार सियासत का पारा गर्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद का यह बयान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए था, क्योंकि 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। कई बड़े नेता और जो सत्ता दल में शामिल क्षेत्रीय दल हैं, NDA में शामिल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो लगातार उनके बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी नज़र बनाई हुई है और खेमेबाजी जो शुरू हो चुकी उसे ख़त्म करने के लिए और बवंडर जो उठा हुआ है सियासी तूफान उसे ख़त्म करने के लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे कि जो खेमेबाजी के अभी जो आशंका बनी है, अटकलें चल रही हैं, उसे ख़त्म किया जाए और खेमेबाजी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो बयानबाजी हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए और सिर्फ पार्टी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो फोकस है वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हो। वहीं अगर केंद्र ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल नहीं दी तो टकराव ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, और अगर ये टकराव बढ़ता है तो 2027 से पहले ही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें प्रदेश में खड़ी हो जाएंगी। तो वहीं सपा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर बीजेपी के अंदर ये खेमेबाजी या टकराव शुरू होता है तो।